हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग। और इसमें हमने पिछली बार ऑन द वे टू कृष्णा बुक को पढ़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि किस रियल हैप्पीनेस क्या है, किस तरीके से सोल और बॉडी अलग अलग है और कृष्णा को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसी बहुत सारी विभिन्न टॉपिक उसमें डिस्कस की गई थी उस पुस्तक में। और आज हम पढ़ेंगे बुक जिसका नाम है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जिसको हिंदी में कहा जाता है जन्म और मृत्यु से परे। तो जन्म और मृत्यु से कैसे परे होना है उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साद्ग्रजातं सगण रघुनाथं वित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखां वितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से पुनः स्वागत है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में हम देख पा रहे हैं बुक का नाम है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ चैप्टर वन, वी आर नॉट दीज बॉडीज। तो कोई शुरू कर जी। प्रभु जी स्टार्ट करो। चैप्टर वन, वी आर नॉट दीज बॉडीज। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मत् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितम् अर्हसि। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ही हु ड्वेल्स इन द बॉडी इज इटर्नल एंड कैन नेवर बी स्लेन, देयरफॉर यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी क्रिएचर। भगवद गीता 2.30। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन इज रियलाइजिंग वन्स आइडेंटिटी एज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। आई एम नॉट दिस बॉडी बट एन स्पिरिट सोल is an essential realization for anyone who wants to transcend death and enter into the spiritual world beyond. It is not simply a matter of saying, I am not this body, but of actually realizing it. This is not as simple as it may seem at first. Although we are not these bodies, but our pure consciousness, somehow or other we have become encased within the bodily dress. If we actually want the happiness and independence that transcend death, we have to establish ourselves and remain in our constitutional position as pure consciousness. Living in the bodily conception, our idea of happiness is like that of a man in delirium. Some philosophers claim that this delirious condition of bodily identification should be cured by abstaining from all action. Because these material activities have been a source of distress for us, they claim that we should actually stop these activities. The culmination of perfection is in a kind of Buddhistic nirvana in which no activities are performed. Buddha maintained that due to a combination of material elements, this body has come into existence, and that somehow or other, if these material elements are separated or dismantled, the cause of suffering is removed. If the tax collectors give us too much difficulty because we happen to possess a large house, one simple solution is to destroy the house. However, can you just scroll a little bit up? Yep. Beyond the combination.
एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, आई थिंक प्रीवियस पैराग्राफ में, इसके पहले वाला। बियॉन्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स देयर इज स्पिरिट एंड द सिम्टम ऑफ दैट स्पिरिट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी डिनाइड। बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस इज डेड बॉडी। एज सून एज कॉन्शियसनेस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी द माउथ विल नॉट स्पीक, द आई विल नॉट सी, नॉट द ईयर्स हियर। A child can understand that it is a fact that consciousness is absolutely necessary for the animation of the body. What is this consciousness? Just as heat or smoke are symptoms of fire, so consciousness is the symptom of the soul. The energy of the soul or self is produced in the shape of consciousness. Indeed, consciousness proves that the soul is present. This is not only the philosophy of the Bhagavad Gita, but the conclusion of all Vedic literature. The impersonalist follower of Shankaracharya as well as the Vaishnava's followers following in the disciplinary succession from Lord Shri Krishna acknowledge the factual existence of the soul, but the Buddhist philosophers do not. The Buddhists contend that at a certain stage a combination of matter produces consciousness, but this argument is refuted by the fact that although we may have all the constituents of matter at our disposal, we cannot produce consciousness from them. All the matter element, material elements may be present in a dead man, but we cannot revive the man to consciousness. This body is not like a machine. When a part of machine breaks down, it can be replaced and the machine will work again. But when the body breaks down and consciousness leaves the body, there is no possibility of our replacing the broken part and rejuvenating the consciousness. The soul is different from the body, and as long as soul is there, the body is animate. But there is no possibility of making the body animate in the absence of the soul. Because we cannot perceive the soul by our gross senses, we deny it. Actually, there are so many things that are there which we cannot see. We cannot see air, radio waves, or sound, nor can we perceive minute bacteria with our blunt senses. But this does not mean they are not there. By the aid of the microscope and other instruments, many things can be perceived which had previously been denied by the imperfect senses. Just because the soul, which is atomic in size, has not been perceived, yet by senses or instruments, we should not conclude that it is not there. It can, however, be perceived by its symptoms and effects. Okay, so should I continue or someone else will take over? And someone over there who wants to continue? We have a lot of participants today. Sumit Prabhu and Realme Prabhu, Jay Krishna Prabhu, Subhashish Prabhu, or Sumit Prabhu, anyone wants to volunteer? I guess we will have to continue. Okay, all right. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna points out that all of our miseries are due to false identification with the body. Matra Svarsashtu Kaunteya Sitoshna Sukha Dukha Dukha Da Agampayaino Nityas Tam Stitik Shava Bharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O Shayano Bharata. And one must learn to tolerate them without being disturbed. Bhagavad Gita 2.14. In the summertime, we may feel pleasure from contact with water. But in the winter, we may shun that very water because it is too cold. In either case, the water is the same, but we perceive it as pleasant or painful due to its contact with the body. All feelings of distress and happiness are due to the body. Under certain conditions, the body and mind feel happiness and distress. Actually, we are hankering after happiness, for the soul's constitutional position is that of happiness. The soul is part and parcel of the Supreme Being, who is Satchidananda Vigraha, the embodiment of knowledge, bliss, and eternity. Indeed, the very name Krishna, which is non-sectarian, means the greatest pleasure. Krish means greatest, and Na means pleasure. Krishna is the epitome of pleasure, and being part and parcel of him, we hanker for pleasure. A drop of ocean has all the properties of the ocean itself, and we, although minute particles of the Supreme Whole, have the same energetic properties as the Supreme. The atomic soul, although so small, is moving the entire body to act in so many wonderful ways. In the world we see, too,
see so many cities, highways, bridges, great buildings, monuments, and great civilizations. But who has done all this? It is all done by the minute spark within the body. If such wonderful things can be performed by the minute spark, they cannot begin to imagine that what can be accomplished by the spirit, supreme spirit whole. The natural hankering of the minute spirit spark is for the qualities of the whole, knowledge, bliss, and eternity. But these hankerings are being frustrated due to the material body. The information on how to attain the soul's desire is given in the Bhagavad Gita. At present, we are trying to attain eternity, bliss, and knowledge by means of an imperfect instrument. Actually, our progress towards these goals is being blocked by the material body. Therefore, we have to come to the realization of our existence beyond the body. Theoretical knowledge that we are not these bodies will not do. We have to keep ourselves always separate as masters of the body, not as servants. If we know how to drive a car well, it will give us good service. But if we do not know how, we will be in danger. The body is composed of senses, and the senses are always hungry after their objects. The eyes see a beautiful person and tell us, oh, there is a beautiful girl, a beautiful boy, let's go see. The ears are telling us, oh, there is a very nice music, let us go hear it. The tongue is saying, oh, there is a very nice restaurant with palatable dishes, let us go. In this way, the senses are dragging us from one place to another, and because of this, we are perplexed. Indriyanam hi sharatam yan mano nu vidyate tadashya harati pranam vayur vayur navam ivambhashi. As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Bhagavad Gita 2.67. It is imperative that we learn how to control the senses. The name Goswami is given to someone who has learned how to master the senses. Go means senses and Swami means controller. So one who can control the senses is to be considered a Goswami. Krishna indicates that one who identifies with the illusory material body cannot establish himself in his proper identity as spirit soul. Bodily pleasure is flickering and intoxicating, and we cannot actually enjoy it because of its momentary nature. Actual pleasure is of the soul, not the body. We have to mold our lives in such a way that we will not be diverted by bodily pleasure. If somehow we are diverted, it is not possible for us to establish consciousness in its true identity beyond the body. Bhogeshwarya Prashaktanam Tayaprata Chetasham Vyavasayatmika Buddhi Samadhau Na Vidhiyate Triguna Vishay Veda Nistrayguna Bhavarjuna Nirdwandvo Nityas Tavasto Niryoga Shema Atmavan. Hare Krishna. जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं संस्कृत को तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी शुड रिमेम्बर. जब ए के ऊपर एक लाइन है दैट सेज कि वो आ है लाइक और जब एन के ऊपर कर्व्ड है दैट मींस इट इज ज्ञान. ओके एन अच्छा एन के ऊपर ज्ञान. ओके हां ज्ञान होता है ना जे एन एन के ऊपर कर्व्ड दैट इज ज्ञान. तो अभी ये द श्लोक दैट वी आर हैविंग कैसे पढ़ सकते हैं. भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापारहितचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्. So this is how हम थोड़ा स्लो को ट्राई कर सकते. ऑफ कोर्स सारे स्लो बहुत इजीली नहीं हो सकते. कुछ स्लोक्स हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं. विद यू नो वुड यू लाइक टू ट्राई. यस सर. श्योर श्योर. भोगेश्वर्य प्रशक्तनाम तायाप्रत चेतशाम व्यावश्यायात्मिक बुद्धि समाधौ न विद्यते त्रायगुण्य विषय वेद निस्त्रायगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्व नित्यस्तवस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान. In the minds of those who are attached
to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. The Vedas deal with the subject of the three modes of material nature. Arise above these modes, O Arjuna, be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. The word Veda means book of knowledge. There are many books of knowledge which vary according to the country, population, environment, etc. In India, the books of knowledge are referred to as the Vedas. In the West, they are called the Old Testament and New Testament. The Muhammad accept the Quran, which is the purpose for all these books of knowledge. They are to train us to understand our position as pure soul. The purpose is to restrict bodily activities by certain rules and regulations. And these rules and regulations are known as codes of morality. The Bible, for instance, has 10 commandments intended to regulate our lives. The body must be controlled in order for us to reach the highest perfection. And without regulative principles, it is not possible to perfect our lives. The regulative principles may differ from country to country or from scripture to scripture, but that does not matter, for they are made according to the time and circumstances and mentality of the people. But the people of regulated control is the same. Principle of regulated control is the same. Similarly, the government sets down certain regulations to be obeyed by its citizens. There is no possibility of making advancement in government or civilization without some regulations. In the previous verse, Sri Krishna tells Arjuna that the regulative principle of the Vedas are meant to control the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance. Trigunya Vishaya Veda. However, Krishna is advising Arjuna to establish himself in pure constitutional position as spirit soul beyond the dualities of material nature. As we have already pointed out, these dualities such as heat and cold, pleasure and pain arise due to the contact of the senses with their objects. In other words, they are born of identification with the body. Krishna indicates that those who are devoted to enjoyment and power are carried away by the words of the Vedas, which promise heavenly enjoyment by sacrifice and regulated activity. Enjoyment is our birthright, for it is the characteristic of the spirit soul. But the spirit soul tries to enjoy materially, and this is the mistake. Everyone is turning to material subjects for enjoyment and is compiling as much knowledge as possible. Someone is becoming a chemist, physicist, politician, artist, or whatever. Everyone knows something or everything of something. And this is generally known as knowledge. But as soon as we leave the body, all of this knowledge is vanquished. In a previous life, one may have been a great man of knowledge, but in this life, he has to start again by going to school and learning how to read and write. From the beginning, whatever knowledge was acquired in the previous life is forgotten. The situation is that we are actually seeking eternal knowledge, but this cannot be acquired by this material body. We are all seeking enjoyment through these bodies, but bodily enjoyment is not our actual enjoyment. It is artificial. We have to understand that if we want to continue in this artificial enjoyment, we will not be able to attain our position of eternal enjoyment. The body must be considered a diseased condition. A diseased man cannot enjoy himself properly. A man with jaundice, for instance, will taste sugar candy as bitter, but as a healthy man can taste its sweetness. In either case, the sugar candy is the same, but according to our condition, it tastes different. Unless we are cured of the diseased condition of bodily life, we cannot taste the sweetness of spiritual life. Indeed, it will taste bitter to us. At the same time, by increasing our enjoyment of material life, we are further complicating our diseased condition. A typhoid patient cannot eat solid food, and if someone gives it to him to enjoy and he eats it, he is further complicating his malady and is endangering his life. If we really want freedom from the miseries of material existence, we must minimize our bodily demands and pleasures. पढ़ना चाहेंगे प्रभु जी? ठीक है, लेट मी कंटिन्यू। ओके। एक्चुअली मटेरियल एंजॉयमेंट इज नॉट एंजॉयमेंट एट ऑल। रियल एंजॉयमेंट डज नॉट सीज। द महाभारत देयर इज अ वर्स रमन्ते योगिनो अन्ते टू द इफेक्ट दैट द योगीज योगिनो
Those who are endeavoring to elevate themselves to the spiritual platform are actually enjoying Ramante, but their enjoyment is Anante, endless. This is because their enjoyment is in relation to the supreme enjoyer, Ram, Krishna, Bhagavan, Shri Krishna, is the real enjoyer. And the Bhagavad Gita 5.29 confirms it. Bhoktaram yagatapasaham sarvaloka maheshwaram shuhridam sarvabhutanam yatvamam santim rechati. The sage is, knowing me as the ultimate enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. Bhoga means enjoyment, and our enjoyment comes from understanding our position as the enjoyed. The real enjoyer is the supreme lord, and we are enjoyed by him. An example of this relationship can be found in the material world between the husband and the wife. The husband is the enjoyer, Purusha, and the wife is the enjoyed, Prakriti. The word Pri means woman. Purusha or spirit is the subject, and Prakriti or nature is the object. The enjoyment, however, is participated in both by the husband and the wife. When actual enjoyment is there, there is no distinction that the husband is enjoying or the wife is enjoying less. Although the man is the predominator and the female is the predominated, there is no division when it comes to enjoyment. On a large scale, no living entity is the enjoyer. God expanded into many, and we constitute those expansions. God is one without a second, but we will to become many in order to enjoy. We have experienced that there is little or no enjoyment in sitting alone in a room talking to oneself. However, if there are five people present, our enjoyment is enhanced. And if we can discuss Krishna before many, many people, the enjoyment is all the greater. Enjoyment means variety. God became many for his enjoyment, and thus our position is that of the enjoyed. That is the constitutional position and the purpose of our creation. Both enjoyer and enjoyed have consciousness, but the consciousness of the enjoyed is subordinate to the consciousness of the enjoyer. Although Krishna is the enjoyer and we are the enjoyed, the enjoyment can be participated in equally by everyone. Our enjoyment can be perfected when we participate in the enjoyment of God. There is no possibility of our enjoying separately on the bodily platform. Material enjoyment on the gross bodily platform is discouraged throughout the Bhagavad Gita. Matra sparses tu kaunteya siddhoshna sukha dukhada agama paino nityascha. O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance is in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O season of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. The gross material body is a result of the interaction of the modes of material nature, and it is doomed to destruction. Antavanta ime deha nityayokta sharirana anasino apremasya tasmad yudhasva bharata. Only the material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is subject to destruction. Therefore, fight, O descendant of Bharata. Bhagavad Gita 2.18. Shri Krishna therefore encourages us to transcend the bodily conception of existence and attain to our actual spiritual life. Gunan etan atityatrin dehi deha samud bhavan janma mrityu jara dukhe vimukto amritam ashnate. When the embodied being is able to transcend these three modes, goodness, passion, and ignorance, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Bhagavad Gita 14.20. To establish ourselves to the pure Brahma Bhuta spiritual platform above the three modes, we must take up the method of Krishna consciousness. The gift of Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of the names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, facilitates this process. This method is called Bhakti Yoga or Mantra Yoga, and it is employed by the highest transcendentalists. How the transcendentalists realize their identity beyond birth and death, beyond the material body, the transfer
and transfer themselves from the material universe to the spiritual universe are the subjects of the following chapters. Very important subject of the following chapters. Hare Krishna. तो अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत बहुत सारे श्लोकों को भी पढ़ा. इसमें से कौन सी तो ऐसी कोई पॉइंट हो जो इसको बहुत अच्छी लगी हो या वो कुछ बताना चाहे. तो वो वाला पॉइंट जो इवन एक भी अगर सेंस, एक भी सेंसेस अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मैं जो डिस्कस किया, I was talking to you about it few days back, right? And the same point has been discussed it. Like, yeah, the example of the boat has been. Anyone else? Sumit Pro, Realme Pro, Shivashish Pro, you are quite silent. Jagashan Pro, you are also silent these days. Yeah, today, sorry. And Vijendra Pro, see, Vijendra Pro is also here with us in the temple. He joined today for the course. And Shivashish Pro also joined today. We are really thankful to all of them. Shivashish Pro, koi kuch nahi kehna chahta kya? तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे बेसिकली बहुत अच्छे लगे कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमको तीन मोड से ऊपर उठना है. और कोई अगर पूछता है कि वेद क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वेद में बेसिकली इन तीन ही पॉइंट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो इस इन तीन पॉइंट्स को, इन तीन मोड्स को हमको बाहर निकलना है. और फिर बाद में फिर से ये बताते हैं कि इन तीनों मोड्स के इंटरेक्शन से ही बहुत सारी चीजें बन रही हैं. And we need to come out of these things. फिर बता रहे हैं कि we can think of enjoying, but we can never enjoy, because it says that God is the ultimate enjoyer of everything. Also, it says how people are enjoying because they are always engaged in the service of the Lord. Here it says Ramante Yogino Anante. Their enjoyment is endless. They can enjoy endlessly just because they are trying to satisfy the senses of the Lord. They are the real enjoyer. Because they serve Krishna, Anna. And then this is also very important that we should understand. कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि लाइफ हमारी लाइफ में अगर दुख आ जाता है तो वी टेक के अब ये रहेगा, अब ये कहीं नहीं जाएगा, हम जिंदगी भर दुखी ही रहेंगे. भगवान ने हमारे लाइफ में दुख ही भर रखा है. ऐसे भी भगवान को हमसे बहुत ज्यादा दुश्मनी है. He wanted कि नहीं भैया प्रसराज दास को दुनिया में सारी सारा दुख देना है. उसने बहुत पापी, ठीक है पापी तो है, नो डाउट हम यहाँ गिरे हुए हैं, लेकिन हम कुछ भी कर लें, वी आर ऑलवेज हैविंग अ सॉफ्ट कॉर इन गॉड्स हार्ट बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वी कम आउट ऑफ एवरीथिंग. भगवान तो गीता में ये भी बोल रहे हैं ना, बस मुझे सरेंडर कर लो, तुम्हारे सारे पापों को मैं काट दूंगा. बट सी हाउ अनफॉर्चुनेट वी आर कि हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं. और उसके लिए क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु इसमें बोल रहे हैं, सिक्स अष्टकम में बोल रहे हैं, नामना मकारी बहुधा. मतलब भगवान आपने अपने नामों में जो अनंत नाम है उसमें अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं, लेकिन मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूं कि मैं उस नाम को भी नहीं ले पा रहा हूँ. मतलब भगवान एक तो चाहते हैं कि हम दुख, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएं. अब उसके लिए क्या हो रहा है, पहले कृष्णा आ रहे हैं, पूरा गीता दे रहे हैं, फिर अब कृष्णा ने गीता दे दी, लेकिन भक्ति क्या खुद से करनी पड़ेगी. अब भक्ति कैसे करें, अब कृष्णा जो आए भगवान बन के आए, तो हम भगवान को इमिटेट नहीं कर सकते. भगवान को इमिटेट करेंगे तो भगवत राम तो पता नहीं जेल जरूर चले जाएंगे, अगर हम गोपियों के वस्त्र चुराएंगे या माखन चुराएंगे या जो भी करेंगे एक्सरसाइज, तो हम भगवान को इमिटेट नहीं कर सकते. तो भगवान बोले ठीक है चलो, अब मैं भक्त के रूप में आके दिखाता हूँ कि भक्ति कैसे करनी है. तो सबसे पहला पर्पज ये था कि राधा रानी का भाव देखना चाहते थे, लेकिन एक और एक पर्पज ये भी था कि वो सबको बताएं कि एक आइडियल भक्त कैसा होता है. तो वहां चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, उसमें जब वो आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम दी है, जो आठ वर्सेस दिए हैं, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ रीडिंग भगवत गीता. क्योंकि चैतन्य जब कृष्णा आए तो कृष्णा ने एक ग्रंथ दिया, और कृष्णा स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई डिफरेंस नहीं, और उन्होंने पूरे जीवन में एक ग्रंथ दिया, वो है 800. और उसमें ये बता रहे हैं नामना मकारी बहुधा, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारे शक्ति निज सर्वशक्ति पिता नियमित स्मरणे ना काला नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति. तो भगवान बता रहे हैं ये नाम में ही आपने पूरी शक्ति भर रखी है, लेकिन आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि मैं फिर भी उसको नहीं ले पा रहा हूँ. और कब कब मैं उस नाम को ले पाऊंगा भगवान, इसके इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत शोक मना रहे हैं कि भगवान
मेरा इसके प्रति रुचि नहीं आया है और आप थोड़ा सा कृपा करिए कि मैं इसके प्रति रुचि ला सकूं। तो हमारा हमेशा ही एंडेवर रहना चाहिए कि समहाउ और अदर हमारा नाम में रुचि रहे। तो क्या बोल रहे हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृश्यम यह जानी नानुराग। सारी कृपा केवल नाम लेने से हो जाएगी। हाउ मर्सीफुल इज लॉर्ड। ठीक है, तो ये सब पूरा पॉइंट डिस्कस करने का यही कारण था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप में से कौन कौन रेगुलर बेसिस में रोज चैंटिंग करते हैं। अब इसमें आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप विजेंद्र प्रभु का मैं जानता हूँ 16 माला करते हैं, यहाँ हमारे साथ रहते हैं। जय कृष्ण प्रभु, आप कितना करते हैं? जी मैं तो 5:59 जो स्टार्ट होते हैं मैं तो वहां पर ज्वाइन करता हूँ। जब से ज्वाइन किया था वो चार चार माला कर रहा था लेकिन आज 5 माला किया एक जय ज्यादा। जय। विजेंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, शायद उन्होंने हैंड रेस किया है, बोलिए। नहीं बोल रही है, ठीक है। जय कृष्ण प्रभु की जय। रियलमी प्रभु कितना माला करते हैं? जो भी आ रहे हैं आपके नाम से आए तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभाशीष प्रभु आप कितना माला करते हैं? आठ माला जय हरि बोल। और यहाँ से सौरभ प्रभु, मैं अभी कम गया है, अभी 8 हो पा रहा है। एक टाइम था जब जय 16 हो पा। जय। देखिए सौरभ प्रभु 16 माला वाले कैंडिडेट है हमारे, मतलब 16 माला। और मैं बता दूं सौरभ प्रभु के बारे में, उनके घर में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं भक्ति को लेकर के, लोग उनके पेरेंट्स उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो सौरभ प्रभु कई बार रात को आधी रात को उठ करके भी वो माला किए हैं और मतलब इट्स रियली इंस्पायरिंग। और सुमित प्रू आप कितना वाला करते हैं? सुमित प्रू टू राउंड सारी बोल। तो यहाँ पर मतलब हम सारे कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाम के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी में बोल के फिर आज खत्म करते हैं आज का क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति था जो जिसने बहुत सारी गलतियां की हैं या बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन उसने एक बार भगवान विष्णु का नाम अपने जीवन में लिया था। तो जब अंत समय आता है, उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के समय यमदूत आते हैं उसे लेने के लिए। तो यमदूत जब लेने लेकर के जा रहे होते हैं तब वो व्यक्ति कहता है कि कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहता है यमदूत कहते हैं कि हम यमलोक लेकर के जा रहे हैं। वो बोलते हैं मतलब यमलोक जाने के योग्य नहीं हूँ। वो उसने क्यों, तुमने तो बहुत सारे पाप किए हैं। यद्यपि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने एक बार भगवान का नाम लिया है, मैंने विष्णु का नाम एक बार लिया है तो मैं नहीं जाऊँगा। अरे यार ऐसा तो नहीं होता। तो इन लोग कंफ्यूज हो गए, तो इन्होंने क्या किया, चलो यमराज के पास लेकर के जाते हैं, वो इसका जो भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो यमराज के पास लेके जाते हैं, सारी स्टोरी रिपीट करते हैं यमराज के सामने। यमराज कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, चलो विधाता के पास लेके जाते हैं क्योंकि विधाता सब जानते हैं, विधाता हमको सॉरी सॉरी तो इंद्र के पास लेके जाते हैं क्योंकि वो स्वर्ग लोग के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, तो देवताओं के राजा तो सब कुछ जानते होंगे, तो इंद्र के पास लेके जाते हैं, वो सॉल्व कर देंगे। इंद्र के पास लेके जाते हैं, पूरी स्टोरी रिपीट करते हैं। कौन जा रहा है? वो व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु होने वाली थी और यमराज। यमराज उस व्यक्ति को लेकर के गए इंद्र लोग। इंद्र को पूरी स्टोरी रिपीट की गई। इंद्र बोल रहा है मुझे भी नहीं पता कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, जनरली अगर कोई बहुत पाप करता है तो यमलोक लेकर ही जाना चाहिए, परंतु इसने एक बार भगवान का नाम लिया है तो क्या करें? तो बोलते हैं अच्छा चलो विधाता के पास चलते हैं क्योंकि विधाता यानी ब्रह्मा जी उन्होंने सबकी किस्मत लिखी है, वो सब जानते हैं कि क्या हुआ है क्या हो रहा है, तो ये सब जानते हैं विधाता। तो विधाता के पास लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी को जब पूरी स्टोरी सुनाते हैं, ब्रह्मा कहते हैं कि अब पाप पुण्य तो सब ठीक है, लेकिन अब भगवान का नाम जहाँ पे आ गया तो ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। काम करते हैं भगवान के बारे सॉरी भक्त के पास चलते हैं। तो सबसे बड़े भक्त वैष्णवेर यथा सिंधु शंभु, वैष्णवेर यथा शंभु जो शिवजी हैं उसको उनको भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जो शिवजी हैं उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है। तो शिवजी के पास जाते हैं। तो कैसे जा रहे थे देखिए, पहले सीक्वेंस समझिए। यमदूत आए उनको लेने के लिए, यमराज के पास लेकर के गए,
यमराज के पास से वो निकले सवारी में, तो सवारी में जो व्यक्ति है वो बैठ रखा है और यमराज कैरी करके लेके जा रहे हैं इंद्र के पास। इंद्र से पहुंचे वो ब्रह्मा के पास, तो दोनों लेकर के जा रहे हैं उस व्यक्ति को, एक-एक शेयर करके पालकी को। फिर वहां से वो गए ब्रह्मा के पास, तीन जने हो गए। ब्रह्मा से गए शिव जी के पास, जब शिव जी के पास गए तो शिव जी बोल रहे हैं मुझे भी नहीं पता, ये तो अजीब ही कैसे, मैंने ये तो देखा है जो लोग भक्ति करते हैं भक्ति करते हैं, यार जो पाप करते हैं पाप करते हैं। तो दोनों थोड़ा थोड़ा कर एक काम करते हैं, विष्णु का नाम लिया है तो विष्णु के पास ही चलते हैं। तो अब चार व्यक्ति हैं, एक पालकी है उसमें ये व्यक्ति जिसने पाप किया है या भगवान का नाम लिया वो बैठा है, और चारों उस पालकी को लेकर के विष्णु के पास पहुंचते हैं। विष्णु के पास पहुंचते हैं तो विष्णु जी को पूछते हैं कि भगवान भगवान ऐसी ऐसी चीज है कि इस व्यक्ति ने एक बार आपका नाम लिया है और बहुत सारे पाप किए हैं, तो इसका क्या गति होना चाहिए। तो विष्णु कहते हैं और क्या गति होगी इसकी, यमराज इंद्र ब्रह्मा शिव चारों एक पालकी में जिस व्यक्ति को उठा करके लेके खुद मेरे पास लेकर के आए हैं और यहाँ पर पूछ रहे हैं, आप लोग सारे वापस चले जाइए, ये मेरे पास रहेगा, ये इसकी गति है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर हम एक बार भी भगवान का नाम अच्छे से ले लें तो हमारी सदगति की कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परमानेंट अकाउंट में ऐड होगा, ये कभी क्षीण नहीं हो सकता। जैसे कि अजामिल था, अजामिल ने एक बार भगवान का नाम लिया, यमदूत के फांस से बच गया, ठीक है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं भागवतम में हो और भगवान की लीलाएं हो। इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और भक्ति उसी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और सुबह हमने मॉर्निंग में जब सेशन भी शुरू किया है उसमें भी आप सभी आ सकते हैं और साथ में जब कर सकते हैं, अगर अकेले उठने में या करने में दिक्कत हो रही है या मन भटक रहा है तो उस समय, क्योंकि आप वीडियो ऑन करके बैठ जाएंगे तो आप समहाउ और अदर फोन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि फोन वीडियो में लग जाएगा और हो जाएगा, तो इट इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। टाइम भी हो गया है तो कल हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। घर में जाकर इसको दोबारा आप लोग पढ़ सकते हैं या स्लो गए थे इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन पर्सनली आस्क मी और फिर कल के सेशन में भी उसको पूछ सकते हैं, देन इन दिस पे डिस्कशन चलेगा। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप सभी इंटरेक्ट करें, हम लोग इतना स्लो जा रहे हैं, हमारे साथी तो दूसरे चैप्टर शुरू करके उसमें से आधा पढ़ सकते थे, लेकिन जस्ट व्हाट आई वांट इज हम कम पढ़ें लेकिन अच्छे से उसको समझ समझ के आगे बढ़ें। तो इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। I request everyone to kindly be active during the sessions. ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।